तो ये कहानी है गट्टू और सट्टू की। गट्टू और सट्टू बहुत ही गहरे दोस्त थे, बचपन से ही साथ में खेले, साथ में पढ़े और साथ में बड़े हुए। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी क्योंकि हर काम वो दोनों साथ में मिलके करते थे, उनके घर आसपास थे, उनके माँ बाप का भी एक दूसरे के घर आना जाना था। लेकिन जो दोनों परिवारों में जो जिस तरह से दोनों पाले जा रहे थे, जिस तरह से वो बढ़ रहे थे, वातावरण थोड़ा सा अलग था। एक परिवार में आधुनिक सोच थी और एक परिवार थोड़ा सा पिछड़ा था, जो ये सोचते थे कि लड़के सिर्फ बाहर का काम करते हैं और घर में उन्हें कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गट्टू की मम्मी थी वो कुछ उसी प्रकार की थी, वो गट्टू से कोई भी घर के काम नहीं कराती थी, सिर्फ गट्टू पढ़ाई करता था और बस अपना खेलना कूदना, और घर में आके वो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेता था। गट्टू की सारी फरमाइशें उसकी मम्मी पूरी करती थी, ला बेटा तेरे को ये ब्रेकफास्ट खिलाऊं, तेरे को ये खाना खिलाऊं। वहीं पर सट्टू की मम्मी सट्टू को घर में भी आत्मनिर्भर बना रही थी, उसे अपने कपड़े ठीक से रखना, कपड़े धोना, छोटे मोटे खाने की चीज़ें बना लेना, चाय बना लेना, दूध उबाल देना, और धीरे धीरे उसकी मम्मी उसको खाना बनाने भी सिखा रही थी। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो आज का समय है जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के दोनों बराबर हैं, लड़कियाँ भी फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर डिपेंड नहीं है, तो फिर जब समाज बदल रहा है तो लड़कों की परवरिश में भी बदलाव आना चाहिए। तो लेकिन गट्टू की मम्मी थी, उन्होंने तो अपने बेटे को सर पे चढ़ा के रखा हुआ था। पर दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और अच्छे दोस्त थे। दोनों धीरे धीरे करके बड़े हो गए और फिर वो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद उन दोनों जॉब में लगे। और कुछ संयोग कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की कंपनी भी एक ही थी, और कुछ कहें कि कुछ इस तरह से कोइंसिडेंस हुआ कि दोनों का ऑन साइट लगा और गट्टू और सट्टू दोनों ऑन साइट चले गए। उसके बाद ऑन साइट जाते ही गट्टू को तो सितारे दिखने लग गए, क्योंकि गट्टू को कोई काम नहीं आता था, ना उसे अपने कपड़े ठीक से धोना आता था। हालांकि कपड़े तो मशीन में ही धोने होते, लेकिन उसको मशीन चलानी भी नहीं आती थी, ना उसने कभी घर में सीखने की कोशिश की। सब काम उसकी मम्मी करती थी, ना वो अपने कपड़े तय करके रखता, जमा के रखता, सब उसका काम उसकी मम्मी करती थी। तो अब यहाँ पे जब वो ऑन साइट में आया तो गट्टू के तो एकदम मतलब ऐसे, मतलब उसको तो आसमान में सितारे दिखने लग गए दिन में ही। और वहीं पे सट्टू को सटीक तरीके से सारे काम करने आते थे, उसने तो अपनी मम्मी से खाना बनाना भी सीख लिया था। वो अपने काम सारे टाइम से करता और अपने कपड़े भी ठीक से रखता, अपना खाना भी ठीक से बनाता। और उसके बाद जब सट्टू ने देखा कि ये गट्टू को तो ना खाना बनाना आता है, ना अपना कुछ काम करना आता है, तो गट्टू ने सट्टू को हिदायत दे दी कि भाई देख, खाना बनाना तो तुझको आता नहीं है, तो तू अभी ये बर्तन धोने का काम तू ही करेगा। तो एकदम गट्टू को तो एकदम चक्कर आने लगे ये बात सुन के, कहा मेरे को तो बर्तन धोने भी नहीं आते। तो कहा ठीक है, तू यूट्यूब देख के बर्तन धोना सीख ले। फिर धीरे धीरे करके उसको बर्तन धोने लगा। अब बर्तन धोने का काम उसका होता था, और जब भी बर्तन धोने पड़ते उसकी आंखों में आंसू आने लगते, अरे काश मेरी मम्मी ने भी मुझे खाना बनाना सिखाया होता तो मैं भी खाना बना रहा होता, यहाँ पे बर्तन नहीं धो रहा होता। तो बर्तन झाड़ू पोछे का काम और बाथरूम वॉश करना, ये सब सारे सफाई के काम गट्टू के थे, और सट्टू किचन के सारे काम करता, सब्जी लाना, ये जो भी ग्रॉसरी व्रॉसरी वाले काम ये करता था सट्टू, और गट्टू को सारे सफाई के काम मिले हुए। तो भाई अब आता ही नहीं है तो क्या करेगा, यही करेगा ना, सफाई वाले काम ही करेगा। गट्टू की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसके अव्यवस्थित रहने के कारण वो रोज ऑफिस लेट होता, कभी उसे धुले कपड़े नहीं मिलते, कभी उसे कोई अपनी चीजें नहीं मिलती। उसे मम्मी की याद बहुत आती थी क्योंकि ये सब काम उसकी मम्मी ही करती थी। इन सब की वजह से गट्टू ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। एक तकलीफ जो गट्टू को और थी वो थी खाने की। उसे अपने मन के स्वाद का खाना कभी नहीं मिलता, जो सट्टू बनाता उसे वही खाना पड़ता था, क्योंकि खाना बनाना उसे आता नहीं था। एक दिन गट्टू ने अपनी मम्मी को फोन करके सारा हाल बयान कर दिया। गट्टू की मम्मी तुरंत अपनी गलती समझ गई और उन्हें दुख भी हुआ कि उन्होंने गट्टू को घर के काम क्यों नहीं सिखाए। 6 महीने बीत चुके थे और अब गट्टू सट्टू दोनों वापस इंडिया आ रहे थे। आगे क्या होता है जब दोनों इंडिया आते हैं, उसके लिए आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।